नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि AEES यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने PGT, TGT और PRT की वैकेंसी निकाली है। ये बहुत दिनों बाद टीचर की वैकेंसी आई है, तो आज हम PRT का यानी कि प्राइमरी लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा किस लेवल का एग्जाम आता है और हम कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, नेबल शब्द का अर्थ पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19-20 होना, तो ये मुहावरा आ गया एक। रात शब्द का पर्यायवाची पूछा है, झरना शब्द का पर्यायवाची पूछा है, सम्मुख शब्द का विलोम पूछा है, विपरीतार्थक पूछा है, मौखिक शब्द का विलोम पूछा है। तो अब तक ये काफी बेसिक हिंदी हो गई, यहाँ पे वोकैब पूछी जा रही है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको दिख ही रहे होंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज है हिंदी की तो बहुत इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चिकना घड़ा होना, तो ये मुहावरा हो गया। विद्या की चाह रखने वाला, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया ये। निम्नलिखित वाक्यांशों में अशुद्ध छाटिए, तो वाक अशुद्ध छाटना है इसमें, शुद्ध अशुद्ध हो गया। कवि की कल्पना से किसकी रचना होती है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब तक ये पहला पार्ट जो 10 क्वेश्चंस का था, इसमें अगर मैं हिंदी का मैं रिव्यू करूं इसका, तो ये काफी ज्यादा इजी है। आप कुछ ना पढ़ के जाएं तब भी ये कर सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आपकी बेसिक हिंदी है। और अगर आपने इस एग्जाम को भर रहे हो तो सीटेट आपका क्लियर होगा, तो हिंदी आपको आती ही होगी। तो अगला सेक्शन देखते हैं, इंग्लिश का सेक्शन है। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही शी इज नॉट, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड दो बार आ गए, स्पेलिंग चेक करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, मार्क द वन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग, तो ठीक है, अ ब्लू आइड बॉय, तो ये ईडीएम वाला क्वेश्चन हो गया। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आई हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड नॉवल एंड इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आई थॉट माई डैश, तो ठीक है, ये भी फिल इन द ब्लैंक से ईजी क्वेश्चन है। पिक द फेमिनिन जेंडर ऑफ बोर, तो ये फेमिनिन जेंडर पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है, ये ज़्यादातर ये सीटेट में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अब तक ऊपर के क्वेश्चन देखो तो ईजी वोकैब पूछी गई है बिल्कुल। ठीक है, वोकैब के क्वेश्चन आए हैं इसमें अब तक। ठीक है, ये फेमिनिन जेंडर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई विल मीट हिम डैश सैटरडे आफ्टरनून, ठीक है, तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन एक हो गया। नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, तो ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज डैश, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो गया। शी डिड द जॉब विदाउट डैश, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स ये इजी क्वेश्चन मैं मानूंगा, इनमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर आप, मेरा तो ये मानना है सीटेट जिसने क्लियर किया तो ये पूरा एग्जाम ही उसके लिए काफ़ी इजी होगा, जो आप देखेंगे आगे क्वेश्चन मिलते हैं तो। ठीक है, अगला सेक्शन करंट अफेयर्स का है, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, देखते हैं क्या पूछा जाता है। हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर, तो अभी जो चीफ मिनिस्टर, अगर कोई रिसेंटली इलेक्ट चीफ मिनिस्टर या गवर्नर इलेक्ट हुआ है, गवर्नर इलेक्ट हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है हमको। विच IPL टीम इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन, तो IPL से क्वेश्चन आ गया। फ्लैग बियरर ऑफ कॉमनवेल्थ, तो उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, अप्रैल 2018 का ये पेपर है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। मीराबाई चानू हैज क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड, ये एक और क्वेश्चन कॉमनवेल्थ से आ गया। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन, तो आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आ गए। ठीक है, 22 से लेके ये 25 तक। ठीक है, नासा से क्वेश्चन आ गया, ये नासा फर्स्ट प्लैनेटरी ऑर्बिट, तो स्पेस वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विच एयरपोर्ट हैज बीन एडजस्ट एज द इंडियाज क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, तो ये काफी बेसिक आपके करंट अफेयर्स है। अगर ये करंट अफेयर्स आपको ऐसी करनी है तो आप कोई भी पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की छोटी मोटी किताब ले सकते हैं, इजीली आप ये कर सकते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, स्पोर्ट्स पे ध्यान इनका ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा है और बहुत ही बेसिक है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड, ठीक है, कोल्लम अजीत हु पास्ड अवे रिसेंटली, स्टीफन हॉकिंग हु पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, ये विच कंट्री, तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से, तो इजीली आप, अगर आप पिछले 6 महीने की कोई भी करंट अफेयर्स की बुक ले लेते हैं
या किसी का एक मास्टर वीडियो टाइप का कोई देख लेते हैं, तो ये आसानी से कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। स्पोर्ट्स पे ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी से देखते हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, ठीक है, तो ये सीटेट अगर आपने किया तो ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्टिविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू विद टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल से कौन से हैं। तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन, और 10 ही क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, तो ये कैसे स्टूडेंट, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अगर हम रखेंगे तो ये इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। सीटेट का एग्जाम दिया है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग, तो अथॉरिटेरियन टीचर सेंटर्ड होता है, इजी क्वेश्चन है काफी। 36 क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा फैक्ट बेस है, ये थोड़ा मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालूंगा ये 36 क्वेश्चन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग का था, ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। वेल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास देन टीचर शुड, तो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है, अगर सीटेड एग्जाम दिया तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है, तो ये थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। और एक ये NUEPA इज मेनली कंसर्न, तो इसका फुल फॉर्म पता होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो अगर मैं इसका इसको देखता हूँ टीचिंग मेथोडोलॉजी को, तो ये 40 हो गया, 36 हो गया और 39 हो गया, तो ये आपके तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी सात आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी लेवल का होगा अगर आपका सीटेट एग्जाम क्लियर है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सेक्शन रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग आ गई यहाँ पे, अगला पैटर्न क्या होगा ये बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन ऐसे हो गए, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं एसएससी की किसी भी बुक से या रीजनिंग की कोई भी बुक से। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, अगला पैटर्न क्या होगा ये बताना है। ये एक्स वाई में दे रखा है, ए बी करके भी दिया होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, 3 years ago she was 3 times as old as Sunita. How old is Reena now? ठीक है, तो ये एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला काफी बेसिक ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं कहूंगा इसको मैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक मैथ्स का ठीक है तो ये क्वेश्चन कर दोगे आप। मून का सैटेलाइट से जो रिलेशन है, अर्थ का किससे होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में काफी देखने को मिलते हैं, बहुत ईजी लेवल है ये। ठीक है, अरुणा कट अ केक इंटू टू हाफ्स, कट्स वन हाफ इंटू स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल साइज, ईच ऑफ द स्मॉल पीस इज 20 grams इन वेट, इफ शी हैज 7 pieces ऑफ केक इन ऑल विद हर, हाउ हैवी वॉज द ओरिजिनल केक। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो मैथ्स का थोड़ा सा मॉडरेट कह सकता हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये मैथ्स का एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। If the English alphabet is written in reverse order, तो what will be the fourth letter to the right of 13 letter from the left? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इनको अरेंज कर लेंगे तो आसानी से पता लगा सकते हैं ये। ठीक है, The party consists of grandmother, father, mother, 5 sons and their wives, 2 sons and 1 daughter to each of the sons. How many females are there? तो ये इजिली पता कर सकते हैं इसमें से इन सबको देखकर। ठीक है, द ताजमहल इज इन आगरा, आगरा इज इन इंडिया, देयरफॉर ताजमहल इज इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन एक आ गया है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वॉज बॉर्न इन मार्च, ऑन मार्च 6, 1993, सेम ईयर इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसका रीजनिंग का बताता हूँ, तो रीजनिंग अगर आप कोई भी रीजनिंग की बुक ले लोगे तो उसके ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक है, अगर आप एक हफ्ते भी वो रीजनिंग के बुक से क्वेश्चन लगा लोगे तो आप इजीली ये क्रैक कर सकते हो इसके क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगले में सारे कंबाइंड सब्जेक्ट्स होंगे 50 marks के। ठीक है, देखते हैं, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक, तो ये एवरीडे साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की साइंस की बुक में मिलेंगे, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ फूड चेन, तो ये ईवीएस का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये ईवीएस का। एंथर कंटेन्स, तो ये
प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, ये 9th क्लास की आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। इन इंडिया यूरेनियम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये भी ईवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। सोलर वाटर हीटर के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये भी ईवीएस का क्वेश्चन है। अब तक के जो ये क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की ईवीएस और साइंस की बुक्स में मिल जाएंगे। द ह्यूमन स्पीशीज हैज जेनेटिक रूट्स इन, तो ये भी ईवीएस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, ये थोड़ा मैं हाई लेवल क्वेश्चन कह सकता हूँ, ये 9th-10th की आपकी साइंस से पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज टू मेक अ सोलर सेल, सोलर सेल के ऊपर दो क्वेश्चन है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये ईवीएस का टॉपिक होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये आपकी 9th-10th क्लास की साइंस से क्वेश्चन है, तो ये सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की 9th-10th की बुक में मिल जाएगा। तो अब तक मैं देखता हूँ तो आपको ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है आपको एज इट इज सेम टू सेम मिल जाएंगे एनसीईआरटी के बुक्स में, तो आपको एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, थायराइड ग्लैंड्स इज लोकेटेड, थायराइड ग्लैंड पूछा जा रहा है, तो बायो का क्वेश्चन आ गया। नेम द गैस विच टर्न्स फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स रेंसेड, तो ये भी एवरीडे साइंस हो जाएगी, केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इन द इक्वेशन NaOH, ये इक्वेशन भी आपको 9th class की केमिस्ट्री की बुक्स में यानी साइंस की बुक में मिल जाएगा। अ डायनामो कन्वर्ट्स, ये EVS का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिव्यू दूँ साइंस वाले सेक्शन का, साइंस EVS का, तो आप 9th-10th तक की अगर साइंस की बुक्स कर लेते हैं तो बहुत ईजिली एनसीईआरटी की बुक्स पे फोकस रखना होगा आपको, साइंस करनी है अगर तो 9th-10th तक की एनसीईआरटी की बुक्स करनी है, ठीक है। मैथ्स का सेक्शन देखेंगे, बिल्कुल बेसिक ये बॉड मास का क्वेश्चन है, 2+2-2 × 2, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ईजिली किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू डालनी है आपको इस फंक्शन में, ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। 8th level की ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल नहीं है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ही अलजेब्रा का, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन दे रखा है और ये आपको दे रखा है अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन आ रखा है, दोनों की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, ठीक है, ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ठीक है। हाउ मैनी फीट देर आर इन 5 meters, तो ठीक है, ये आपको मेजरमेंट का क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है, फीट में कितने मीटर होते हैं बताना है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, एवरेज निकालना है इसमें, इनका एवरेज निकालना है, और ये इंडिसेस वाला क्वेश्चन आ गया। तो बहुत ही बेसिक है ये, 8th class तक की मैथ्स से कवर हो जाएगा आपको, एनसीईआरटी की मैथ्स के क्लास 8 तक की करनी है सिर्फ आपको, सिर्फ क्लास 8 की मैथ्स करनी है इसके लिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको, मल्टीप्लाई कर देना है बस। आगे क्वेश्चन दे रखा है 20% ऑफ 2, ये ओरली किए जा सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ग्राफ ऑफ 2 linear equations, तो ये थोड़ा सा बेसिक का क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ठीक है, तो इनकी नॉलेज होगी तभी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कहूँगा, बाकी तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ओरली कर सकते हैं, 2.5 घंटे एग्जाम में दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत आसानी से किया जा सकता है एग्जाम को। अ स्कूल कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 teachers and 4 students, द नंबर ऑफ डिफरेंट कमेटीज दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 teachers and 10 students, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन कहूँगा इसको मैं, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है ये वाला, और ये अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, 5 different books अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ ऑफ बुक्स, बुक्स सी एंड डी आर अरेंज्ड फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू द सेल्फ राइट ऑफ द शेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखने हैं, अगर कोई तैयारी कर रहा है इसकी सीरियसली कर रहा है तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, द मीन ऑफ द डेटा सेट इज इक्वल टू 10, इफ वी एट 5 टू ईच ऑफ द डेटा, तो मीन निकालना, ये एवरेज का ईजी क्वेश्चन है ये। 2 straight lines इन सेम प्लेन विच नेवर मीट, तो ये ईजी क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस होती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बेसिक क्वाड्रिलेटरल की नॉलेज होगी तो ये कर दोगे। 3 quantities का दे रखा है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। 3rd proportion, ये भी बेसिक वाला क्वेश्चन है, निकल सकते हैं। तो अगर मैं मैथ को पूरा समराइज करूं तो आपको क्या करना है, मैथ्स को कवर करने के लिए एनसीईआरटी की 8th class तक की भी अगर कर लेते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस पेपर के
हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर आपका 8th तक की नॉलेज है तो आप 9th 10th की भी आगे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपने सीटेट एग्जाम क्लियर किया है तो इतनी नॉलेज आपको होगी ही, मुश्किल ज़्यादा आपको आने वाली नहीं है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप ध्यान दे देना, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसमें पूछा गया है, तो इस पर आपको स्पेशल अटेंशन थोड़ी देनी होगी। आगे आपको इंग्लिश का पैसेज दिया है, पैसेज बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो सीटेट में बहुत बड़ा पैसेज पूछा जाता है, इसमें बहुत छोटा पैसेज है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसमें 2.5 घंटे का एग्जाम है तो बहुत आराम से आप एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स, तो ये पैसेज से आप पता कर सकते हैं। मेडल्स आर अवार्डेड टू सम डॉग्स फॉर, तो ये आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें आराम से ढूंढ ढूंढ के आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो पैसेज इम्प्लाइज दैट, ये भी पैसेज के बेस पे निकाल सकते हैं। एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड, तो ये फ्रेज का आपको मीनिंग निकालना है, तो ये वो कैब का एक क्वेश्चन हो गया। सिनोनिम पूछा है ब्रेवरी का, मोंगरेल का मीनिंग पूछा है, कंपेनियन का मीनिंग पूछा है, इंटेलिजेंट का एंटोनियम पूछा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन क्या है दे रखे हैं, वो कैब के पूछ रखे हैं। तो सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो इंग्लिश में आपको ये ध्यान देना है। बाकी ग्रामर तो बेसिक आ रही है, लेकिन वोकैब पे ध्यान देना है, वोकैब पे ध्यान देना है। ऊपर भी 10 में से 3-4 क्वेश्चन वोकैब के थे, और यहाँ भी तो लगभग 8-9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वोकैब के, इसीलिए वोकैब पे ध्यान देना है इंग्लिश में खास करके। तो इंग्लिश की तरह हिंदी में भी पैसेज पूछा गया है, हिंदी में भी छोटा सा ही पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, तो दिक्कत नहीं होने वाली है कैसी भी। बहुत ईजी क्वेश्चन उसमें पूछे हुए हैं, ठीक है। रक्त कणों की रचना कहाँ होती है, तो ये पैसेज से पता आराम से लगाया जा सकता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। रक्त निर्माण के लिए किस कच्चे माल की जरूरत है, जरूरत शब्द का समानार्थी, तो वो कैब यहाँ भी पूछी जा रही है, समानार्थी पर्यायवाची विलोम यहाँ पे ध्यान रखने हैं। रक्त शब्द का समानार्थी बताना है, रक्तदान के संबंध में क्या समझाया जाता है, तो ये पैसेज वाला क्वेश्चन हो गया। आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए, निराधार का अर्थ पूछा है और रक्तदान पर शरीर, ये तो पैसेज वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, हिंदी में आपको वोकैब मेरे हिसाब से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी मैं सारे इस पेपर को समराइज करता हूँ, तो पहले अगर मैं शुरू कर देता हूँ, हिंदी से शुरू करते हैं, तो हिंदी मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पर्यायवाची विलोम वगैरह, तो आराम से कराया जा सकता है इसको, ठीक है। सीटेट क्लियर किया अगर आपने, तो ये हिंदी बेसिक आपको पता ही होगी, ठीक है। इंग्लिश को अगर मैं देखता हूँ, तो इंग्लिश में आपको वोकैब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वोकैब के अलावा बाकी इंग्लिश बहुत ईजी है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत है, इंग्लिश मीडियम में है आप, तो आप आसानी से इंग्लिश कर सकते हैं, वोकैब पे ध्यान देना है खाली, ठीक है। और मैथ्स देखते हैं, तो मैथ्स आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ने के लिए एनसीईआरटी क्लास 8th तक की पढ़नी है खाली, ठीक है। तो आप इजीली बेसिक कर लेंगे, और इस पेपर के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, आगे पेपर अगर ऐसा आता है तो ये काम बन जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग आप कोई भी रीजनिंग की एक बुक ले लीजिए, कोई भी बुक, एनी बुक, ठीक है। तो उसको आप एक हफ्ते के अंदर बेसिक बेसिक अगर उसके कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स जो है, तो ये लास्ट 6 मंथ्स की कोई भी आप क्या बुक ले लीजिए या कोई मास्टर वीडियो देख लीजिए, तो आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। ओलंपिक अभी निकले हैं, तो ओलंपिक पे, ओलंपिक के सारे क्वेश्चंस कर जाना, और बेसिक ही करना है, कोई बहुत वो नहीं करना है। बेसिक करंट अफेयर जो होगी आपकी, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ के ऊपर होगी, तो वो आसानी से कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी जो GS है वो नहीं आती है इसमें, हिस्ट्री सिविक्स ये नहीं पूछी जा रही है, जो और एग्जाम्स में पूछी जाती है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत डिटेल में, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी और क्या रह गया, करंट अफेयर, GS, हिंदी इंग्लिश मैथ नहीं, EVS और साइंस, तो EVS आप EVS की NCERT की बहुत 8th तक की पढ़ लेंगे, और साइंस मेरे हिसाब से आपको 10th तक की पढ़ लेनी चाहिए, साइंस ये 10th तक की पढ़ लेनी चाहिए। तो ये भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़नी है EVS और साइंस, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सेम टू सेम, ठीक है। तो अभी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस एग्जाम के बारे में, AEES के बारे में। तो इसमें जो किसको नहीं भरना है ये फॉर्म,
तो जो बंदा हिंदी मीडियम वाला है, जो हिंदी मीडियम वाला है, तो आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो हिंदी छोड़ के बाकी सब कुछ इंग्लिश में ही पूछा गया है, डुअल लैंग्वेज नहीं है, दोनों लैंग्वेज में नहीं है। तो अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर के बाद वो आपकी टीचिंग देखेंगे और टीचिंग सिर्फ इंग्लिश में ही वो मांगते हैं। टीचिंग और आपका ग्रुप डिस्कशन होगा तो उसमें इंग्लिश में ही वो आपको चाहेंगे कि आप इंग्लिश में बोलें, ठीक है। तो ये वही उनका मेन फोकस रहता है, ठीक है। तो हिंदी वालों को ये नहीं भरना है, ठीक है। बाकी लोग भर सकते हैं, वैकेंसी कम होती है लेकिन अच्छी सैलरी होती है उसकी, ठीक है। सैलरी अच्छी है और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई आपका दोस्त था जो इसका पेपर ढूंढ रहा था तो उसको ये ज़रूर शेयर कीजिए, आप उसकी मदद हो जाएगी, ठीक है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। और अगर आपको PGT या TGT का ऐसा पेपर चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।